हेलो दोस्तों दोस्तों यानी शिल्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुशअप के बारे में। दोस्तों रोज पुशअप लगाने से बॉडी में क्या होता है, एक दिन में कितनी पुशअप करना चाहिए, कैसे पुशअप करना चाहिए, विस्तार से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों पुशअप हमारे शरीर की मजबूती के लिए काफी फायदेमंद है, इसीलिए चाहे जिम जाने वाले लोग हो, अखाड़े में पहलवानी करने वाले लोग, हर कोई पुशअप करना पसंद करते हैं। पुशअप को आप घर आ कहीं भी कर सकते हैं। ये जितनी प्रभावशाली एक्सरसाइज है उतना ही उससे करना आसान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में कितनी पुशअप करना चाहिए और पुशअप के फायदे क्या हैं? दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितनी पुशअप करना चाहिए तो उसका जवाब है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज करने वाले लोगों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार में औसतन 20 से 25 पुशअप कर सकते हैं। हालांकि नियमित अभ्यास में ये गिनती 40 से 50 आ उससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पुशअप करने के फायदा क्या क्या है। दोस्तों पुशअप आपकी ओवर बॉडी शरीर के ऊपरी हिस्सा को मजबूत बनाने में मदद करता है। उससे छाती कंधे हाथ ताकतवर बनते हैं और मसल्स उभरती हैं। दोस्तों पुशअप को अगर सही तरीके से किया जाए तो ये अपर बॉडी के साथ पेट की मांसपेशियां के लिए भी लाभदायक है, इससे शरीर की स्थितियां भी बढ़ती है। दोस्तों आप पुशअप को कार्डियो वर्कआउट में भी शामिल कर सकते हैं। उसे करने से आपका दिल ज्यादा तेज धड़कने लगता है और खून को पंप करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। दोस्तों ये एक शारीरिक वजन उठाने वाली एक्सरसाइज है, इसीलिए हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। पुशअप करने से झुके हुए कंधे और रीढ़ की हड्डियों को सीधा करने में मदद मिलती है, जिससे आपका बॉडी पोस्चर सुधर जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।